पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी, गाइस इन दोनों गेम में कौन सा गेम ज्यादा बेटर है? तो गाइस इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये दो जो गेम है, एक गेम दो गाइस जो अपने अपने जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई रैंकिंग पे है। लॉकडाउन के दौरान जो बहुत सारे जो सर्वेस वगैरह हुए थे, तो गाइस वहां पे देखा गया था मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो घर में बैठ के बस गेम खेलते हैं। तो गाइस ये तो एक फैक्ट है। और गाइस मुझे बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं इंस्टाग्राम से जो आ रहे हैं कि जो कौन सा गेम बेटर लगता है, कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी, प्लेयर्स आर नॉट बैटल ग्राउंड। जी हाँ, वो तो एक बहुत रियलिस्टिक गेम है और गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी मैं तो बोलूंगा हॉलीवुड गेम है। तो गाइस ये जो गेम वगैरह है इसका जो लैग वगैरह जो होता है, जो लेटेंसी है, तो गाइस इसके ऊपर एक और चीज डिपेंड करती है गाइस, वो है नेटवर्क। आप गाइस कौन से वाले नेटवर्क से ज्यादा गेमिंग करते हैं? जी गाइस बहुत सारे के पास ऐसा ऑप्शन होता है कि वो वाईफाई से गेमिंग कर सकता है, लेकिन गाइस बहुत सारे लोगों के पास वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता। तो उन सबके पास मोबाइल डेटा जो है, जो अपने जियो वगैरह या एयरटेल वगैरह जो सिम कार्ड है, उन सबके वजह से करना पड़ता है। तो गाइस इसमें जो नेटवर्क का जो लेटेंसी है गाइस, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है गाइस। और ज्यादा से ज्यादा जो हाई फास्ट रैंकिंग में जो अब जो नेटवर्क चल रहे थे गाइस, वो है एयरटेल। जी हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे जो वेबसाइट है वहां से मैंने ढूंढ के निकाला है, तो गाइस एयरटेल का जो परफॉर्मेंस है, लेटेंसी बोलिए कुछ भी बोल दीजिए, सिर्फ सबसे फास्ट। लेकिन गाइस मेरे पास तो एयरटेल नहीं है, मेरे पास है जियो। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, जियो से ही मैं काम चलाऊंगा। वैसे भी मेरे घर के आसपास जो जियो का जो नेटवर्क है गाइस, वो बहुत ही अच्छा हाई स्पीड मुझे मिलता है, मैंने लेटेंसी वगैरह लैग बैग वगैरह गेम में बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। तो गाइस आज मैं इस वीडियो के ऊपर आपको मैं दो दो गेम प्ले है मैं आपको खेल के बताऊंगा कि कौन सा गेम मुझे क्यों अच्छा लगता है। दरअसल क्या है कि जो सारा दिन का काम जो खत्म हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो बेड पे लेट के जो गेम खेलने का जो मजा है गाइस, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। गाइस एक चीज, गेम खेलने का जो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो आपको दिमागी काम में आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। जी हाँ, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि गेम खेलने से आपके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो गाइस प्लीज वीडियो को चेकआउट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। लेकिन गाइस बहुत ही ज्यादा अलग भी आप बोल सकते हैं। क्यों? पबजी जो गेम है, प्लेयर्स आर नॉट बैटल ग्राउंड। जी हाँ, ये गाइस जाना था इसके बैटल रॉयल गेम प्ले के लिए, गेम प्ले। तो वहां पे क्या होता है गाइस, आपको जो हर एक जो वेपन वगैरह मिलते हैं गाइस, आपको जो एक जो 3D का जो साउंड मिलता है गाइस, वो एकदम रियलिस्टिक है। दरअसल एक बात है, जो हर एक जो रिकॉइल वगैरह जो बंदूक वगैरह में जो होते हैं, जो गन्स वगैरह में होते हैं, जो साउंड है गाइस, ये सब हर एक जो साउंड, पार्टिकुलर साउंड जो है, ये गाइस किसी जो ओरिजिनल जो बंदूक है गाइस, वहां से कॉपी करके इस गेम में डाला गया है। एकदम फुल तरह सॉलिड गेम है। और दूसरी तरफ है गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी। जी गाइस देखिए, कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम है गाइस, ये एक हॉलीवुड मूवी गेम है, आपको बोलूंगा कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3। जी हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3। तो गाइस वो जो गेम है गाइस, उस गेम का एक मोबाइल वर्जन है हमारा, जब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, जहां पे बैटल रॉयल भी है और वहां पे वो मल्टीप्लेयर वगैरह जो डेट मैच वगैरह हम खेलते हैं ना पबजी में, वो सब भी है। लेकिन गाइस इसमें जो सेंसिटिविटी है गाइस, वो गाइस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। और गाइस यहां पे कुछ ऑप्शन है गाइस, जिसकी वजह से ये जो गेम है एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। कॉल ऑफ ड्यूटी का एक रिकॉर्ड है, करीब करीब जो गेम जब लॉन्च हुआ था गाइस, लॉन्च होने के एक महीने के अंदर अंदर 100 मिलियन डाउनलोड हो गया। कॉल ऑफ ड्यूटी का जो बैटल रॉयल जो गेम है ना गाइस, वहां पे आपका बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जी हाँ, अगर आप टीम के साथ खेल सकते हो गाइस, तो गाइस एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कभी भी बाजी पलट सकती है। दरअसल क्या होता है, पबजी में अगर 3-4 एनिमी के साथ पड़ गए तो गाइस आप किसी भी करके जो एनिमी है उनको मार सकते हो, लेकिन गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी में आप ऐसा अगर हो भी जाता है तो गाइस आप मैच को घुमा सकते हो। जी हाँ, कैसे होगा, अगर टीममेट मर गया तो गाइस आपको उसको फिर से, अगर मर गया क्रेट बन गया गाइस, फिर से आप उसको रिवाइव कर सकते हो, वो प्लेन से सीधा रिस्पॉन्ड करेगा। जी हाँ, बैटल रॉयल में स्किल्स जो है आपको मिल जाते हैं, किसी को मेडिक स्किल हेल्थ बढ़ाने के लिए, ग्रैपलिंग हुक वगैरह जो होते हैं वो सब आपको मिल जाते हैं, अपना डुप्लीकेट बना सकता है कैरेक्टर, आपका जो प्लेयर होगा वो डुप्लीकेट बना सकता है, एनिमी के सामने बहुत ज्यादा काम आता है ये चीज। तो गाइस इनविजिबल भी हो सकता है, तो गाइस इसकी वजह से ये जो गेम है नेक्स्ट लेवल चला गया गाइस। ये एक बात है कि ये आपका एक हॉलीवुड मूवी भी बोल सकते हैं गाइस। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा गेम ज्यादा अच्छा लगता है, कि पबजी, प्लेयर्स आर नॉट बैटलग्राउंड या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी के हॉलीवुड मूवी गेम है गाइस, जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
खेलते हो ना गाइस, तो ज्यादा मत खेलिएगा। तो गाइस क्या है कि ज्यादा गेम खेलना भी अच्छा नहीं है, एडिक्शन में बदल जाता है। तो गाइस थोड़ा सा लिमिट पे रख के गेम को एंजॉय कीजिए। और गाइस हाँ, गेम खेलने के जो बेनिफिट्स है, अगर गाइस आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना गाइस, आप गेमर हो, तो गाइस प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसे चेक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। चलिए गाइस आज के वीडियो तो इतना ही था, अगर फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।